नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है संडे फंड विद लर्निंग क्विज संडे में सो लेट्स प्ले क्विज संडे टू प्रूव योरसेल्फ आज के क्विज का सबसे पहला सवाल ये रहा आपके साथ द डिलीट की ऑफ कीबोर्ड इज असाइंड टू विच कमांड इन एक्सेल और आपके ऑप्शन है ए एडिट क्लियर देन कंटेंट्स बी एडिट क्लियर ऑल सी एडिट डिलीट या डी इसमें से सारे के सारे और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब 6 5 4 3 2 One, time over, और हम चलते हैं आपको लेके आंसर स्क्रीन पर इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने ये रखता हूं. What does this button mean? ये जो सामने बटन दिख रहा है इसका मतलब क्या हुआ? और आपके ऑप्शन है ए अलाइन द बॉर्डर पेज बी एक्सटेंड एंटायर लेंथ ऑफ द सेल सी ग्रुप टूगेदर दिलेक्टेड सेल्स एंड सेंटर द कंटेंट या डी नन ऑफ द और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब सिक्स फोर थ्री टू वन टाइम ओवर और मैं लेके चलता हूं आपको आंसर आंसर स्क्रीन पर इसका होना चाहिए सी ये क्या करता है जो selected cell होगा उसको ग्रुपिंग करेगा और जो कंटेंट होगा उसको सेंटर में डालेगा क्वेश्चन नंबर थ्री अब आपके सामने ये रखता हूँ इज दिस जो सामने चार्ट दिख रहा है वो किस टाइप का चार्ट है? एरिया रडार पाई या डोनट चार्ट और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब Six, five, four, three, two, one. Time over. मैं लेके चल रहा हूं आपको आंसर स्क्रीन पर इसका आंसर है ये है डोनट चार्ट क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने ये रखता सेम वर्कशीट ठीक है कौन सा टूल आप यूज करोगे विंडो को स्प्लिट करने के लिए तो और आपके ऑप्शन है टाइटल बार स्क्रॉल बार टूल बार या स्प्लिट बॉक्स होते हैं और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन टाइम ओवर और ए बी सी या डी आपके पास आंसर इसका आंसर होना चाहिए डी द स्प्लिट बॉक्स स्प्लिट बॉक्स क्या करता है जो विंडो को अलग अलग डिफरेंट पार्ट में वर्कशीट पे डिवाइड करने का काम करता है क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने ये रखता हूं वॉट फंक्शन इज यूज टू मेक श्योर दैट ऑल द आर ट्रू बिफोर सोइंग ट्रू आंसर और आपके ऑप्शन है ए एंड बी और सी वी लुकअप या डी इफ और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन टाइम ओवर क्या कहते हैं एंड या और इसका आंसर होना चाहिए था एंड फंक्शन सोइंग सामने ये रखता हूँ विच ऑफ दीज थ्री फंक्शन आंसर जो सामने आपको दिख रहा है एंड और इनमें ट्रू एज ए आंसर कौन सा देगा ऑप्शन okay, है इक्वल टू ए एंड ए वन इक्वल टू वन ए टू इक्वल टू टू बी और a1 equal इक्वल 2 टू और A2 equal to इक्वल c वन सी इफ greater than 1 ग्रेटर देन वन तो ट्रू नहीं तो फॉल्स और फोर्थ ऑप्शन है इसमें से कोई भी नहीं और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब बिल्कुल ध्यान से देखिए विच ऑफ दी थ्री फंक्शंस विल गिव यू ट्रू आज एन आंसर सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन टाइम ओवर और क्या कहें चले आंसर स्क्रीन पर इसका आंसर है बी और

या नहीं है सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन टाइम ओवर चलते हैं आंसर आंसर स्क्रीन पर. इसका होना चाहिए क्यों? क्योंकि वी में A1, A1 में में देखिए क्या लिखा हुआ है? जो कि इस टेबल एरे में कहीं है ही नहीं क्वेश्चन नंबर एट अब आपके सामने ये रखता B1, A4, B8, ये टेबल से ये एरे ध्यान से देखिए और वहां पे अगर आप बी वन ए फोर से बी एट का रेंज ले रहा हूं और कॉलम नंबर दूसरा पास कर रहा हूं तो इसमें से आउटपुट कौन सा आएगा ऑप्शन ए ए बी सी या डी लिखा हुआ जो है उसमें से नोट ठीक है और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब बिल्कुल ध्यान से सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन और टाइम ओवर क्या कहते हैं ए बी सी या डी इसका आंसर होगा सी क्यों अप्रोक्सीमेट मैच का केस आ गया सत्तर से अस्सी के बीच में क्या है सी है ना तो इसका आंसर होगा सी क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने अगेन ये रखता विच ऑफ दीज स्टेटमेंट ऑन लुकअप इज फॉल्स मतलब इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट वी लुकअप के बारे में गलत है और आपके ऑप्शन है ए द वी लुकअप फंक्शन कैन बी यूज टू कंपेयर अ वैल्यू दैट्स बिटवीन टू वैल्यूज और फॉर एन एग्जैक्ट वैल्यू बी व्हेन दिस फंक्शन मतलब वी लुकअप फंक्शन की बात कर रहे हैं

टू वन टाइम ओवर और मैं लेके चलता हूं आपको answer screen पर ये चेक करने के लिए कि आपका answer जो आपने लगाया है है है। है है वो सही है या नहीं 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 इसका ऐसा हो ही नहीं सकता descending नहीं है, ascending होना चाहिए। आज के का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर दस अब आपके सामने ये रखता हूँ वॉट टूल हेल्प यू टू ऑप्टिमाइज द रिजल्ट और आपके ऑप्शन है scenario manager, जो है वो ऑप्टिमाइज करता है मॉडल के रिजल्ट को बी सॉल्वर टूल सी टारगेट वैल्यू या डी इनमें से कोई भी नहीं और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन और टाइम ओवर क्या कहते हैं सिनेरियो सॉल्वर या टारगेट वैल्यू आपका आंसर होना चाहिए सिनेरियो मैनेजर हेल्प्स यू टू ऑप्टिमाइज द रिजल्ट्स ऑफ अ मॉडल हमें उम्मीद है मैक्सिमम से मैक्सिमम आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा और सही अटेम्प्ट किया होगा और आउट आउट ऑफ ऑफ अटेम सेवन सिक्स फाइव फोर कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अटेम्प्ट करते हैं आप लोग क्वेश्चन को ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी उम्मीद के साथ अब आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीक फिर से इसी तरीके के बेहतरीन एमसीक्यू और यूजफुल क्वेश्चन के साथ थैंक यू